हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय द वे नेपाल एशिया कप से बाहर हो चुका है। अब आपको नेपाल एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ नजर नहीं आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की। यहाँ पर मुकाबला था इमर्जिंग एशिया कप में नेपाल वर्सेस टीम इंडिया। अब इस मैच को देखेंगे तो जिस प्रकार से एटलीस्ट नेपाल ने लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया थोड़ा सा इससे बेहतर था वो, और हमें लगा था कि अब नेपाल यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाएगा, क्योंकि हमने सोचा था कुशल भुरतेल जिनका मान लीजिए एक बैड डे था, लेकिन कुशल भुरतेल ने इस टूर्नामेंट में निराश किया है। आई एम अ इंडियन, जरूर मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते, बट आई लव नेपाल टू। मैं चाह रहा था कि नेपाल वो फाइट दिखाए, वो मैच जबरदस्त मैच हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नेपाल से काफी ज्यादा खराब क्रिकेट देखने को मिला है। पहले तो आप 160-170 पर ऑल आउट होते हैं, उसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं आप बॉलिंग करने आते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता। आप 22 ओवर में ही टारगेट चेज करा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट ले पाते हैं। यहाँ पर अर्जुन सौद की जगह लाती है टीम देव खनाल को, वो खराब प्रदर्शन करते हैं, और कुशल भुरतेल उनसे तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार दो मैचों में इस तरह से फेल हो गए, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट, तो उन्हें बेहतर कर आना पड़ेगा, निकल कर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वहीं कहीं अंधेरे में खो जाओगे। आपको बड़ी टीम अगर बनना है तो इन मैचों में प्रदर्शन करना होगा, जो कि नेपाल को सीखना होगा। बाकी इस मैच की अगर हम देखें तो रोहित पौडेल की 150 आती है, उनके अलावा कोई शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाता है। नीचे से आप देखेंगे तो गुलशन झा, वो आपके लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो आपके लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, निचले क्रम में आकर 30-40-50 रन कर जाते हैं, बॉलिंग से भी आपको निकाल कर देते हैं, और वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उन्होंने यहां पर भी करके देखा है, 30 गेंदों में 38 रन, दो छक्के लगाते हैं, लेकिन उनके अलावा उस तरह से कोई आपको नजर नहीं आएगा। रोहित पौडेल जरूर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और अगर हम गेंदबाजी उसकी उसके बाद जिस तरह से आउट हुए अगर उस पर हम नजर डालेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि निशांत संधू जो कि एक पार्ट टाइमर है, आपने 4 विकेट उनको दे दिए। सबसे बड़ी नेपाल की गलती यही थी कि आप एक पार्ट टाइमर को जब 4 विकेट दे दोगे तो आप मैच कैसे जीत पाओगे। फिलहाल ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान जो दो बड़ी टीमें थी इस ग्रुप की, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, और अब अगर हम बात करें जो बाकी टीमें बचती हैं वहां पर, अब यूएई और नेपाल का मैच बचा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का बचा हुआ है, लेकिन वो दोनों टीमें क्वालिफाई, ये दोनों बाहर हैं। अब नेपाल और यूएई के मैच में देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या नेपाल अपनी साख बचा पाता है, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रोमांच तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार का होता है। तो बड़ी चीज ये है, जबकि अभिषेक शर्मा ने जो जबरदस्त बैटिंग की इस मैच में, तारीफ करनी बनती है उनकी, 89 रन आई थिंक बनाए उन्होंने, 89 या फिर 87, गजब की पारी खेली और एकदम से मैच एक तरफा पहले ही कर दिया था उन्होंने। गेंदबाजी में निशांत संधू ने 4 विकेट इस प्रकार से लिए, हंगर गेकर ने जबरदस्त गेंदबाजी की, उन्होंने अपने नाम 3 विकेट किए और धाराशाही कर दिया नेपाल की टीम को। तो फिलहाल हमने सारी चीजें आपको बताई है कि इंडिया ने किस प्रकार से धावा बोला नेपाल पर, और नेपाल को अब क्या कुछ सीख लेनी चाहिए यहाँ से आगे प्रोग्रेस करने के लिए क्रिकेट में। आप बताइए अगर आपको भी लगता है जो चीजें मैंने नेपाल के बारे में बताई या फिर जो इंडिया के बारे में बताई ऐसा ही है, तो कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।